राजस्थान के अलवर जिले में शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों के उत्पात मचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना मंगलवार की है जिसमें टोल टैक्स मांगने पर सांसद के समर्थकों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की है और जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल के समर्थकों की ओर से एक टोल कर्मी को थप्पड़ मारने और गाली गलौज करने के भी आरोप लगे हैं। इस घटना के बाद खुद हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों को समझाइश करते नजर आए हैं। जयपुर से दिल्ली की ओर टोल प्लाजा पार करते हुए सांसद शाहजहांपुर बॉर्डर पर जा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल जी के साथ करीब 8-10 गाड़ियां थी जिनमें उनके समर्थक सवार थे। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल की गाड़ी निकली, उसके बाद एक एक कर अन्य गाड़ियां निकली। इस दौरान आखिर में एक दो गाड़ियां और गुजर रही थी तभी इलेक्ट्रिक बैरियर गिर गया। इससे नाराज बेनीवाल के समर्थकों ने टोल पर जमकर उत्पात मचाया। टोल पार करने वाली गाड़ियों से भी युवक उठने लगे और टोल बूथ नंबर 4 पर बूथ बैरियर लाइन को तोड़ डाला। टोल कर्मियों से भी उलझ गए, उनसे गाली गलौज की और एक टोल कर्मी को थप्पड़ मारने का भी मामला सामने आया। ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। टोल मैनेजर जावेद ने बताया कि हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक 8-10 गाड़ियों से जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। बूथ नंबर 4 पर हनुमान बेनीवाल की गाड़ी निकलने के बाद उनके पीछे चल रही गाड़ियां भी निकल गई। तभी कुछ लोग उतर कर आए और उन्होंने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की और उनके साथ मारपीट भी की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। युवकों ने बूम बैरियर भी तोड़ डाला। इस पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। जो टोल नुकसान पहुंचा है, जो टोल प्लाजा पे नुकसान हुआ है उसकी और उस पूरे घटनाक्रम के बारे में भी उच्च अधिकारियों को बताया गया है। टोल मैनेजर के अनुसार अधिकारियों के आदेश पर ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालका समर्थकों ने मारपीट की थी, तोड़फोड़ की थी, क्या मामला था? हनुमान बेनीवाल जी और उनके साथ 8-10 गाड़ियां थी, वो जयपुर की तरफ शायद दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो मेरे बूथ नंबर 4 पे लाइन पे वो पहुंचे तो लड़कों ने, उन्होंने बताया कि साहब ये है, तो लड़कों ने गाड़ी को निकाल दिया। उनके पीछे 2-3 गाड़ियां और थी, आगे चल के हनुमान बेनीवाल जी भी गाड़ी से नीचे उतर गए। उनके जो भी साथ में गाड़ियां थी सारे लड़के उतर गए नीचे और मेरे जितने भी कर्मचारी खड़े थे उनके साथ गाली गलौज किया है और जो बूम बैरियर लाइनों में लगे थे उनको तोड़ ताड़ दिया है। धमकी दे रहे थे कि आज के बाद अगर तुम आए तो सालों को जान से मार देंगे। कल उत्पात मचाया था उन्होंने। सर आप मामला दर्ज कराएंगे इसमें? अब मैं अपने सीनियर से बात करूंगा और मैं भी जो फुटेज है वीडियो को देख रहा हूँ, कितना सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, कितना मेरे को नुकसान हुआ है। जो गाड़ियाँ निकली वो भी टोल दे के नहीं गई हैं और मैं भी जो है मैं करता हूँ। घटना की सूचना के बाद शाहजहांपुर पुलिस और थाना अधिकारी सुनील जांगीर और नीमराना डीएसपी महावीर सिंह मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल की गई है। एसएचओ सुनील जांगीर ने बताया कि बैरियर गिरने के कारण मामूली कहासुनी हुई थी और बाद में दोनों पक्षों ने समझाइश कर मामला निपटा लिया है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई है। और खबरों के लिए बना रहे नवा टाइम्स.com पर।